गाइस यहाँ पे पबजी मोबाइल में एक बहुत ही खतरनाक और अमेजिंग सी इवेंट आ चुकी है, जिससे आप लोगों को यहाँ पे आईडी कार्ड मिलने वाला है। हाँ गाइस, यहाँ पे रीनेम कार्ड मिल रहा है, जिससे आप लोग अपना नाम चेंज कर सकते हो। ये एक पर्टिकुलर सर्वर में आई है, कौन से सर्वर में आई है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे सेकेंड चैनल को चेकआउट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चैनल पर वीडियो देखो, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अजय निका गेमिंग। गाइस यहाँ पर आपको आज तो मेरे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मैं दिलाने वाली हूँ आईडी कार्ड। यहाँ पे आप लोगों को इवेंट के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही यहाँ पे इवेंट के ऑप्शन में आप लोग जाते हो तो सेकेंड नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे लेट्स होप शूटिंग कॉन्टेस्ट करके इवेंट देखने को मिल जाएगी। गाइज ये इवेंट यहाँ पे 1 तारीख मतलब आज से स्टार्ट हुई है और 12 तारीख तक यहाँ पे चलने वाले है। यहाँ पे आप लोगों को मिशन कंप्लीट करने हैं और मिशन कंप्लीट करने से आप लोगों को यहाँ पे बास्केटबॉल मिलेगा। तो फर्स्ट पे आपको लॉगिन पे एक बास्केटबॉल मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेकेंड नंबर पे देखोगे तो आपको 2 मैच कंप्लीट करने पे मिलेगा, 4 मैच कंप्लीट करने पे 2 और बास्केटबॉल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लोग 50 हेल्थ रिकवर करते हो तो एक और बास्केटबॉल मिल जाएगा, उसके बाद 5 एनिमी मारते हो तो एक और बास्केटबॉल मिल जाएगा। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 एक दिन के गाइस यहाँ पे आप लोगों को 6 बास्केटबॉल मिलेंगे। 1 तारीख से इवेंट 12 तारीख मतलब 12 दिन में आप लोग 6 बास्केटबॉल लेते हो तो 12 × 6 72 गाइज यहाँ पे आप लोगों को बास्केटबॉल मिल जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे आप लोगों को बास्केटबॉल मिलते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 3rd नंबर पे लेट्स होप शूटिंग रिवॉर्ड के अंदर जाना है। इसके अंदर गाइज यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 25 से यहाँ पे आप लोग एक आउटफिट रिडीम कर सकते हो, जो कि 37 सिर्फ 3 दिन के लिए है। 15 से आप लोग यहाँ पे 200 UC का वाउचर ले सकते हो, आउटफिट वाउचर। लेकिन यहाँ पे 3rd नंबर पे गाइज आप लोग देखोगे तो 35 से गाइज आप लोग यहाँ पे रीनेम कार रिडीम कर सकते हो, सिर्फ 35 से एक रिडीम कार गाइज यहाँ पे आप लोग रिडीम कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे सप्लाई कूपन है। तो गाइज बहुत ही अमेजिंग सी इवेंट है, आपको सिर्फ सिंपली मिशन कम्प्लीट करके यहाँ से आईडी कार्ड रिडीम कर लेना है। चले गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इवेंट कौन से कंट्री में आई है। तो यहाँ पे एरो पे आप लोग देखिए सेटिंग के अंदर, जैसे ही मैं जाती हूँ तो एकदम लास्ट में गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इवेंट अभी यूएसए सर्वर में आई है। तो अगर आप लोगों का यूएसए सर्वर से कनेक्ट हो यूएसए कंट्री से तो आप लोग यहाँ पे इस इवेंट का फ़ायदा उठा सकते हो, और अगर नहीं है तो आप लोग यूएसए कैसे चेंज करोगे वो भी आपको सिंपली मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे कंट्री रीजन यूएसए मेरा है तो यहाँ पे मेरा चेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपका भी यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा हो तो आपको सिंपली चेंज पे क्लिक करना है। अब चेंज पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो उससे पहले आप लोगों को कोई सा भी VPN लगा लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने UFO VPN ऑन कर रखा है, तो आप लोगों को भी ऐसे कोई सा VPN ऑन करना है और उसके अंदर यूएसए कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। यूएसए कंट्री को आप लोग यहाँ पे किसी VPN में सिलेक्ट करोगे तब जाके यहाँ पे जब आप लोग चेंज करने जाओगे तो यूएसए का सर्वर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली यूएसए को सिलेक्ट करके यहाँ से आपकी आईडी को कंट्री यूएसए से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइज ये शायद यूएसए में ही आई है, बाकी अगर आप लोगों को ऐसी कोई कंट्री पता हो जिसमें ये इवेंट आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए गाइज कर लो यूएसए से, बहुत ही अमेजिंग सी इवेंट है, आपको नाम चेंज करने के लिए एक आईडी कार्ड मिल जाएगा। गाइज मस्त इवेंट है ना। चले वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। गाइज आप लोग मेरे सेकेंड चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।